हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी इस पल में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में, इस पल में, इस घड़ी में आपको लेकर चल रहा है, वो चीज़ें अभी हम टैरो से देख रहे हैं। साथ में मैं आपकी भी थोड़ी बहुत एनर्जीज देखूंगी व्यूअर्स, कि आप अभी इस पल में किस एनर्जी में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर। ठीक है व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के, आपको कुछ चीज़ें और लोगों के लिए भी छोड़ देनी है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। यानी कि मैरिड, अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग ऑल साइन बेस्ड है, हालांकि राशिया में आपको डेफिनेटली बताऊंगी, एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के साथ। और आपको ये भी समझना होगा, जब जिस पल में ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, उस पल, उस घड़ी में यूनिवर्स, ये डिवाइन, आपके ईस्ट आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। बस फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस पल में, इस घड़ी में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इंट्यूशन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, एंड बॉटम है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस। आपकी एनर्जीज पढ़ने के लिए आपके लिए भी कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स अभी अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए अपने पर्सन को लेकर अभी इस पल में क्या है। गिल्ट, कंप्लीटेशन, शेयरिंग, हार्मोनी एंड बॉटम है कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको राशियां बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, आपकी भी हो सकती है और आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। वैसे तो मुझे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स, देखिएगा, ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, यानी कि आपका हो गया वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो मैंने आपको सभी राशियां बताई हैं क्योंकि यहाँ पे सारी राशियां, सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो व्यूअर्स, मुझे आपके लिए नंबर 2 एंड नंबर 5, यानी कि आपका फरवरी और आपका मई, ये दो मंथ्स बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये दो नंबर्स बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जैसे चांसेस हैं ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े थे, आपका एनिवर्सरी मंथ भी हो सकता है, 5 साल का रिश्ता है, 2 साल का रिश्ता है, 5 महीने, 2 महीने से आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस चल रहे हैं, ब्रेकअप तक हो गया है, अलगाव की सिचुएशन या सेपरेशन को आप फेस कर रहे हैं। 5 साल तक चीज़ें सही चली, उसके बाद प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में आनी शुरू हुई और प्रॉब्लम आई भी हैं, या फिर टोटल इस कनेक्शन को 5 साल या 2 साल हो गए हैं, और जिसमें कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ अलग भी रहे, और कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे 2 साल भी हो गए उस पर्सन से सेपरेट हुए भी, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे चांसेस एक ऐसी भी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप अब इस पर्सन के साथ फिजिकली तौर पर दूर रह रहे हो, यानी कि ज्योग्राफिकली दूरियां यहाँ पर आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं, चाहे वो शुरुआती तौर पे हो, मतलब आप किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में शुरुआती तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेटली
फिज़िकली लेवल पर दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी व्यूअर्स, भले यहाँ पर आप दोनों फिज़िकली तौर पर एक दूसरे से दूर हो गए हो, लेकिन दिल आपका अभी भी इस घड़ी में भी ना जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जुड़ना चाह रहा है और एक दूसरे को ढूंढ रहा है, तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब सवाल पे आते हैं कि अभी इस पल में ये पर्सन किस एनर्जी में है व्यूअर्स, ठीक है। देखिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन ने यहाँ पे ना अपने आप को काफ़ी लोगों के बीच में घेर रखा है, यानी कि ये पर्सन यहाँ पे अपने आप को जैसे अकेला नहीं रखना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों के बीच में जब जब ये पर्सन रहते हैं तब तब इस पर्सन का जो मन है, इस पर्सन की जो इंट्यूशन है, जो इनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हुए रहती है ना, वो नहीं हो पाती जब ये चार लोगों के बीच में अपने आप को रखते हैं। एज एन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जानबूझकर अपने आप को काफ़ी लोगों के बीच में घेर रहे हैं, क्योंकि जब ही अपने आप को अकेला रखते हैं ना, तो इस पर्सन के थॉट्स, इस पर्सन के खुद का गिल्ट, इस पर्सन की हार, इस पर्सन के खुद के गलत फैसले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आप यहाँ पर मोस्टली इस पर्सन की साइड से ये मैसेज रिसीव कर रहे होंगे कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐश काट रहा है या काट रही है, या वो काफ़ी लोगों के बीच में है, उसे तेरी क्या याद आने वाली है, वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है या कर रही है। लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इसके पीछे की वजह ये है कि ये पर्सन अभी करंट में जितना ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं कि ये जीत कर भी सब कुछ हार गए, आपसे लड़कर, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करके, आपको गलत बोलकर इन्होंने अल्टीमेटली अपनी लाइफ में से सब कुछ खो दिया है। उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए ये पर्सन इस फंडे को अप्लाई कर रहे हैं, या ये टेक्निक ये पर्सन यूज़ कर रहे हैं ताकि ये किसी तरह की हार जो इनके मन में है ना, उसे फील ना करें, महसूस ना करें। लेकिन करंट में ये चीज़ें दिख रही है व्यूअर्स, इन सब के होने के बावजूद, भीड़ में होने के बावजूद भी ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको खोकर अल्टीमेटली अपने आप को खो दिया है, या आपसे जीत कर, आपसे लड़ाई करके इन्होंने अल्टीमेटली अपने आप को हरा दिया है। तो वो चीज़ें इस पर्सन की खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है, खुद की अंतरात्मा इन्हें बोल रही है कि इस जीत से भी तुम अल्टीमेटली जीते नहीं हो, बल्कि इस जीत से तुमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हरा दिया है। और वो अफसोस, वो हार इस पर्सन को कहीं ना कहीं यहाँ पे ना अपनी सोच से बाहर लेकर जाने के लिए, उससे भागने के लिए इन्हें बोल रही है। तो ये पर्सन ना सिर्फ केवल आपसे भाग रहे हैं, ये तो अपनी सोच से भी भाग रहे हैं, अपने आप को भीड़ में इसलिए रख रहे हैं ताकि इनके मन में उस हार का अफसोस ना रहे। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो रात में अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो वो डर की वजह से ना अपने आप को चार लोगों के बीच में रखते हैं या किसी को साथ लेकर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो अब इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है, या कुछ ऐसा ही फील ये पर्सन अब कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये लोगों में घिरे रहेंगे उतना ज़्यादा इन्हें अपनी हार जो है वो याद नहीं आएगी, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर पाएंगे जो इन्हें एक्चुअली में सच को जाहिर कर रहा है। और इनकी इंट्यूशन इन्हें क्या कह रही है, बेसिकली इनकी इंट्यूशन इन्हें ये समझा रही है, एक गलत फैसला, एक गलत डिसीजन, एक गलत चॉइस, एक गलत मोमेंट या एक गलत कदम तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कहाँ ले आया, तुम उस चीज़ को महसूस करो या उस चीज़ को देखो। और ये पर्सन उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पर्सन जब लोगों से अपने आप को कट कर रहे हैं तो इन्हें इनके इंट्यूशंस इन्हें बार बार अपने लिए हुए फैसले पर, जैसे कि एक होता है ना गिल्ट पहुंचा रही हो, इन्हें बार बार इनके गलत फैसले पर इन्हें अफसोस जाहिर करा रही हो कि भाई तुमने क्या करा, कैसे करा, तो वो चीज़ों से बचने के लिए ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर है करंट में ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्क सीले कर रहे हैं ताकि ये अपने इस गिल्ट से, अपनी इस हार से अपने आप को बचा सकें। तो ये तो इस एनर्जी में है। रही आपकी बात,
आप किस एनर्जी में हो, बेसिकली आप ना इस पर्सन के बिना देखिए डीप इनसाइड अपने आप को अधूरा पा रहे हो। भले आपने अपने आप को काफ़ी तरह से पूरा कर लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। जैसे पहले जब आपका ये स्टार्टिंग फेज था ना कि आप बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तो आप उस पॉइंट से तो बाहर आ गए हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर एक खालीपन, एक कमी आपको महसूस होती है कि अगर ये कमी और भर जाए ना मेरी ज़िंदगी में तो ओवरऑल सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो कमी आप करंट में फील कर रहे हो। आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई किसी तरह से ये पर्सन ना बस अपनी गलती रियलाइज़ कर ले, किसी भी तरह से इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि कल क्या था और आज क्या है, यानी कि ये आज और कल में कंपेयर करना सीखे कि आपके साथ से ये इस रिश्ते से उसे क्या मिल रहा था, क्या मिल सकता था, या आपकी वो वैल्यू समझे और उस चीज़ का गिल्ट उस पर्सन को आपकी तरफ ले आए। तो वो आप महसूस कर रहे हो, यानी कि आपके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से भी अब ये रिश्ता ना बस हारमोनी में आ जाए, भले जो हुआ जैसे हुआ उन सब पे मिट्टी डालकर अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट जो इस रिलेशनशिप का दी एंड हो ना वो एक हैप्पी एंडिंग हो, एक हारमोनी के वे में हो, तो वो चीज़ें आपके दिल में चल रही हैं। इवन आप ये भी सोच रहे हो ये पर्सन ना कंपेयर करना सीखे कि जो इसने फैसला लिया, जो इसने डिसीज़न लिया उसमें और जो आप दोनों के बीच में था उन दोनों के बीच में कंपेयर करना सीखे और वो गिल्ट इस पर्सन को आपकी तरफ ले आए। या ये भी ना हो तो एटलीस्ट कम से कम इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा करा उन सभी के लिए ये पर्सन ना बस गिल्टी मान ले। मतलब एक होता है ना कि भाई उस चीज़ को मान ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उस चीज़ को आकर आपसे बोले, मतलब आपके लिए इस पल में इस वक्त में वही एक न्याय की परिभाषा हो रही है कि ये पर्सन को मेरे साथ करे हुए का गिल्ट हो जाए और वो आकर इस चीज़ को बोल दे कि हाँ मैंने जो करा वो गलत करा और एंड जो हो इस रिश्ते का वो एक हैप्पी एंडिंग हो। तो ये चीज़ें आपके दिल में चल रही हैं। इवन आप ना इस पर्सन का इस पल में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, पहले कैसा था, कैसी थी, पहले हर बात शेयर करता था या करती थी, या जब आप इससे अपने बात शेयर करना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे तो ये सुन लिया करता था या सुन लिया करती थी, लेकिन अब देखो कैसा ढीठ बनता जा रहा है या बनती जा रही है। अब तो इसके सर में जू भी नहीं रेंग रही कि भाई मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे पे क्या इस चीज़ का असर पड़ रहा है। तो उन सभी चीज़ों को आप व्यूअर्स होना हो कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप अपने माइंड को यहाँ से हटाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है आप ये चीज़ें किसी से शेयर भी कर रहे हो, अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपनी मदर से, सिस्टर से, अपने किसी फ्रेंड से, लेकिन ये चीज़ें आपको परेशान तो कर रही हैं। आप इस चीज़ से अपने आप को ना बाहर नहीं निकाल पा रहे हो चाह कर भी, जबकि यहाँ पे ना अपने आप को आपने पूरा करने के लिए हर वो कोशिश कर ली है, हर वो कोशिश कर रहे हो जो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक अधूरापन है कि ये अगर मुझे मिल जाए, ये अगर और मेरे लाइफ में सही हो जाए तो ओवरऑल मेरी लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर आ जाएगी। ठीक है, और इनके साथ ये हो रहा है कि ये जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे हैं उससे जो इन्हें हार मिली है, जिसे उस पल में तो इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा, लेकिन अब जो ये फील कर रहे हैं कि ये यहाँ पर जीत कर, लड़ाई करके, आर्ग्यूमेंट्स करके जो ये हारे हैं ना, वो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है, जिसे ये अल्टीमेटली अपने आप से छुपाते फिर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। और देखते हैं व्यूअर्स टैरो से, अगर अभी तक आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये मेरी फीलिंग्स है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही हालात हुए हैं, या ये पर्सन कुछ ऐसे ही आपके सामने रोल प्ले कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपसे अगर रेजोनेट कर रही हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और अब हम करते हैं रीडिंग टैरो के माध्यम से। देखिए राशियाँ ओवरऑल सभी हो गई हैं, देन राशियाँ वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मुझे कपल वाइज कोई राशि यहाँ पर दिखाई दी, आप या आपके पार्टनर एज अ कपल है तो वो राशि दिखेगी तो वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं इस हार को लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, बताइए अभी इस पल की, इस हार को लेकर अब क्या है, गाइड कीजिए बताइए।
किंग ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स। तो ऐसा चांसेस है आप में से एक यहाँ पे वाटर एलिमेंट है और एक यहाँ पे एयर एलिमेंट है। मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर शुरुआत से ही भावुक रहे हो, इमोशनल रहे हो। देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि डेफिनेटली एक वक्त पे यहाँ पर ना इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए। ऐसा आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि भाई डंडे आप दोनों के बीच में चल गए या तू तू मैं चल गई। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें भी हुई हों, लेकिन मतभेद यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बीते दिनों में हुए हैं, या दोनों के ओपिनियन यहाँ पर एक दूसरे से मेल नहीं खाए हैं, क्लैश करे हैं। और उसके पीछे की वजह यही थी कि ये पर्सन जो आप बात करते थे उससे सहमत नहीं हो पाते थे, बजाय उससे सहमत होने कि अपना अलग ही किसी और ही दुनिया का ये अपना लॉजिक लेकर आते थे, जिस पर ये बहस करते थे, जिसका ना सर होता था ना पैर होता था, चाहे फिर वो किसी भी विषय पर ही क्यों ना हो। लेकिन करंट में ये पर्सन ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि जिन तथ्यों पर, जिन बातों पर, जिन लॉजिक्स को लाकर इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद करे या इस रिश्ते को जीत और हार का मैदान बना दिया, लड़ाई का मैदान बना दिया, आज इनके पास भले इस मैदान में सब कुछ मिल गया है इन्हें, वो नेम मिल गया, फेम मिल गया, या ये टैग इन्हें मिल गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत जो हुई है वो इनकी हुई है, इनके तथ्यों की हुई है, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी खालीपन जो है ना वो इन्हें फील हो रहा है। वो खालीपन है आपका, कि आप नहीं हो। इस जीत के चक्कर में इन्होंने आपको गवाया, इस जीत के चक्कर में इन्होंने अपने सपने को गवाया, जो इनके लिए सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपना हुआ करता था। तो वो चीज़ें इनके मन में करंट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं या उसे महसूस कर रहे हैं, यानी कि अपनी जीत में ये पर्सन होना हुआ अपनी हार को महसूस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप भी चाहते हो कि इस इंसान को ये चीज़ें फील हो कि इसने ना जीत कर सब कुछ गवा दिया। इस इंसान को भले सब कुछ मिल गया, लेकिन इसने आपको खोकर, आपके प्यार को या इस रिश्ते को खोकर अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में बहुत कुछ खो दिया। तो जो आप चाहते हो या बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीज़ें चलती है ना कि एक दिन इस इंसान को ये चीज़ें ज़रूर से फील होंगी, ज़रूर से ये चीज़ को लेकर रोएगा या रोएगी, वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, वही एहसास यहाँ पर इस पर्सन को हो रहा है, जिस एहसास से ये पर्सन अपने आप को भगा रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर और सब तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे ही पा रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस हार के बाद ये अपनी ज़िंदगी में अभी भी पास्ट से ही जुड़े रह गए, क्योंकि पास्ट यहाँ पर इनका पूरी तरह से बिगड़ चुका है, बिगड़ गया है, जिसे ये सही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो गिल्ट आप इनकी नज़रों में देखना चाहते हो, वो गिल्ट डेफिनेटली इस पर्सन को इस पल में महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि ये पर्सन अपने आपको जिताने के चक्कर में कितना आगे बढ़ाई, अपने आप को जिताने के चक्कर में इस पर्सन को अगर गिल्टी फील भी हो रहा है तो उसे जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इनके साथ हो भी रहा है। और देखते हैं व्यूअर्स के पर्सन अभी इस पल में व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स इन बॉटम की एनर्जी है रीबर्थ, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे आप या आपके पार्टनर में से कोई एक स्कॉर्पियो हो सकता है, काफ़ी स्ट्रांग में मुझे यहाँ पे राशि स्कॉर्पियो की दिख रही है, आप या आपके पार्टनर में से कोई एक स्कॉर्पियो है। नंबर 20, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 2, ये सभी मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। देखिएगा, इनकी इंट्यूशन ना अभी इस पल में इन्हें ये रियलाइज़ करा रही है कि इस हार के बाद भले इन्होंने ये सोचा कि इनके हिस्से यहाँ पर जीत आई है या ये जीत गए हैं, उस जीत का ये क्या जश्न मनाते, इतने पल में इन्हें आपकी तरफ से ये चीज़ें महसूस हो रही हैं या पता चली हैं कि भले इन्होंने उस पल में आपको हराया, लेकिन अल्टीमेटली उस हार से आपने अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ें नए सिरे से ग्रो करी हैं। यानी कि यहाँ पर उस हार के बाद आपके ज़िंदगी में आपका जैसे कि पुनर्जन्म हुआ हो विद दिस रीबर्थ कार्ड, यानी कि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर अपने आप को पहुँचा दिए हो जिस मुकाम पर शायद आप पहुँचना भी नहीं चाहते थे या आपका कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि आपके लिए तो आपकी इच्छा, आपका सपना सिर्फ और सिर्फ ये थे।
जो आपको भी फील हो रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैंने अब इस पॉइंट पर आकर, इस स्टेज पे आके सब कुछ पूरा कर लिया, बस हाँ एक कमी ज़रूर से रह गई जो शायद हमेशा भर रहेगी या पता नहीं कब तक रहेगी। जो सवाल आपके मन में उठ रहा है ना, वही कुछ इनकी इंट्यूशन भी इन्हें बोल रही है, लेकिन इन्हें ये चीज़ों का एहसास नहीं दिला रही है कि आप अभी भी इस पर्सन की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो, या आपके मन में अभी भी ये चीज़ें हैं कि बस ये कमी पूरी हो जाती है, सही हो जाती है तो आप पूरे हो जाओगे। इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं इंट्यूटिवली कि अब आप यहाँ पर एक नई एनर्जी में हो, अब आप यहाँ पर अपनी एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, अब आपने अपना एक दायरा बनाया है, अब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अब आप यहाँ पर अपने क्रिएटर, अपने निर्माता खुद बन रहे हो, जो कभी आप चाहते थे कि ये मेरा निर्माता बने, यानी कि मेरी दुनिया ये बसाए, मेरा घर ये बसाए, मेरे मकान को घर ये बनाए, तो जो आप चाहते थे इनसे, अब वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से चाह रहे हो और उसे आप पूरा कर रहे हो, तो वो ये महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब यूनिवर्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो चुका है और वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, आपको आपकी ज़िंदगी में वो सब दे रहा है जो शायद कभी एक वक्त पे ये चाहते थे या आप इनसे चाहते थे। वो आप अब अपने बलबूते पर पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, कर चुके हो, तो ये चीज़ें इन्हें इतना ज़्यादा आ रहा हुआ फील करा रही है कि इन्हें वो फीलिंग्स ही जैसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो फीलिंग्स ही इस पर्सन को यहाँ से अपने आप को दूर लोगों में, भीड़ में लेकर जाने के लिए इन्हें उकसा रही है, बोल रही है। तो ऐसा कुछ इनके मन में चल रहा है, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस पल में और कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। द लवर्स एंड बॉटम है आपका द टावर। तो देखिए कपल इस तरह से हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर में से एक एरीज है और एक यहाँ पे जेमिनी है, उसके चांसेस हैं। नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 16, यानी कि जून और जुलाई, ये दो मंथ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। इन इस पर्सन के दिल में, इनके मन में इस पल में ये चीज़ें चल रही हैं, महसूस कर रहे हैं ये पर्सन कि इन्होंने ये गलत डिसीज़न क्या लिया, इन्होंने दो चॉइसेस के बीच में अपने आप को क्या भटका लिया, या एक ऐसा मोमेंट इन्होंने क्या ले लिया, ऐसा कदम क्या इन्होंने उठा लिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे कि सब कुछ पूरी तरह से बिखेर दिया, जैसे कि एक गलत कदम उठाने से यहाँ पर कितना बड़ा तहलका, कितना बड़ा तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में अब चल रहा है, उस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है। यानी कि आपसे दूर जाने का फैसला, अच्छा खासा ये आपके साथ एक नई दुनिया बसा रहे थे, नई दुनिया थी आपकी, एक अलग ही सपना था जो अब बिखर कर रह गया है इनकी आंखों के सामने, तो वो चीज़ें ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि मेरे एक गलत फैसले ने मुझे उससे दूर कर दिया, उस पर उसका जो मुझ पर भरोसा था उसे पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, सपने को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, और इवन एक ऐसी कमी ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पर लिख दी जिसका पता नहीं कब पूरी होगी, होगी भी या नहीं होगी, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को इस पल में, इस घड़ी में महसूस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जो होता है ना व्यूअर्स, वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ठीक है, और देखते हैं व्यूअर्स के पर्सन अभी इस पल में व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ओवर थिंक ये पर्सन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू ओवर थिंक करी जा रही है उतना ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर ना अपने आप को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं। मतलब चीज़ों को जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू रिकंसिडर करा जा रहा है उतना ज़्यादा इस पर्सन की स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, उसे ये फील कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से अपने अंदर वो इन्हें फील ना हो कि कितने कमज़ोर बनकर रह गए हैं, इसीलिए ये चार लोगों के बीच में रहकर अपनी उस स्ट्रेंथ को गेन तो करना चाहते हैं या उस थॉट को, उस फीलिंग्स को अपने मन से बाहर तो निकालना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें अंदर है ना
वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाती, या इन लोगों के बीच में कितने पल रह सकते हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं और यही चीज़ें इन्हें ना बार बार ये एहसास दिला रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन हो ना हो अपने ही शिकंजे में जैसे फंस कर रह गए हैं, या इन्होंने खुद से अपने आप को इस अंधेरे कमरे में बंद कर लिया है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में अभी इस पल में बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसे ये महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द फूल। ये पर्सन इस पल में इवन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं उन चार लोगों के साथ जैसे कि कुछ इसी तरह से आपके साथ ये एक अलग ही नई दुनिया देख रहे थे, एक अलग ही नई दुनिया इन्होंने जी थी। चांसेस हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत मस्ती करी हो, बहुत डेटिंग वगैरह करी हो, बहुत जगह पे आप घूमे हो, मतलब बहुत सेलिब्रेट आपने यहाँ पर करा है। और इवन उस सेलिब्रेशंस के पलों में, उन पलों में ना आपने एक नई शुरुआत भी देखी है, उसे जिया है। तो ये पर्सन भले उस भीड़ में है लेकिन उस पल जो आपने सपने जिस तरह से बिताए थे ना उसे बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, देखते हैं इस मिसिंग एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस मिसिंग एनर्जी के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स से प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। माय हार्ट एक एक फॉर यू, आपको याद कर रहे हैं और जितना याद कर रहे हैं इनका दिल रो रहा है, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव ड्रीमिंग ऑफ यू, अब आपके सपने देखते हैं क्योंकि बस अब आप इन्हें सपनों में ही दिखाई दे रहे हो या सपनों तक ही बस आप रह गए हो, ये रिश्ता रह गया है। आई एम सीक्रेटिवली ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये पर्सन अब सीक्रेटिवली आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, अब जब इनकी इच्छाएँ आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उमड़ रही हैं तो कहना चाह रहे हैं कि फील कर पा रहे हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो। आई वॉन्ट होल्ड यू, आपको अब होल्ड करे रखना चाहते हैं ये पर्सन, इवन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं इस एनर्जी के साथ कि काश ही उस पल में आपको जाने ना देते या आपसे दूर ना जाते, उस वक्त में उस पल में आपको थामे रखते, आपको होल्ड करे रखते, तो वो चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है, गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। फ्रीडम चॉइसेस, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूवर्स कि एक पल पे ना इस पर्सन को ये जो आपका रिश्ता था वो ऐसा लगने लगा था ये रिश्ता मुझे बांध रहा है, इस रिश्ते में मेरी आज़ादी मुझसे छिन रही है, या मैं इस रिश्ते में इतना ज़्यादा डिपेंड होता जा रहा हूँ कि मैं या जा रही हूँ कि मेरी जो फ्रीडम है वो मुझसे खोती जा रही है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े। लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरा ऑप्शन इस पर्सन को ये रियलाइज़ तो कराएगा कि, या ये कंपेयर तो तभी कर पाएंगे जब ये दूसरे ऑप्शन को भी अच्छे से जांच लेंगे, परख लेंगे, उसे जी लेंगे, और उसी के बाद यहाँ पर अल्टीमेटली इस पर्सन की वापसी आपकी तरफ होगी। लेकिन उसके लिए आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, ऐसा यूनिवर्स बोल रही है। जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ को आप जितना होल्ड करके रखोगे टाइटली वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर जाना चाहेगी, तो इनके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, हो रहा है। आप इन्हें इनके रास्ते जाने दीजिएगा, जब ये कंपेयर कर पाएंगे, जब ये कहते हैं ना आटे चावल दाल का इन्हें भाव जब पता चल जाएगा तब ये वापसी उसी तरफ करेंगे, तो ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है। ये थी रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो कि अभी इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।